प्रीफिक्स तो आप मैक्सिमम के तुम लोगों को याद होंगे बेटा, प्रीफिक्स तो आप तुमको मैक्सिमम के याद भी होंगे। किसी चीज़ को वो प्रीफिक्स याद है मैक्सिमम कंपाउंड के। चलो तो लिखो अगला, लिखो अगला कंपाउंड, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट बचा हुआ था ना, धीरे धीरे सिखाओ कि इससे स्पीड बढ़ाओ। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ, अब तुम्हें आ गया है ये चीज़ें। आर एफ पी डी अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो आर एफ पी डी सबसे पहले किस पर लगाएंगे? फंक्शनल ग्रुप पर। अगर नाइट्रो और हेलो ग्रुप होगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स पर। तो बात क्लियर है, इतना ही लिया है ना। चलो ठीक है, लिखो अब, स्टार्ट करो, लिखो अब, लिखो नेमिंग ऑफ डाइवेलेंट कंपाउंड। नेमिंग ऑफ डाइवेलेंट कंपाउंड, डाइवेलेंट कंपाउंड के नेमिंग। अब डाइवेलेंट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बेटा, सबको पता होगा डाइवेलेंट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? बोलो, कीटोन, बताओ, ईथर, हाँ जाना, ईथर, थायो ईथर। ईथर का जो नामिंग होगा वो आपका थायो ईथर का होगा, उसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसका बताओ, एनहाइड्राइड। तो हमको एक्चुअली अभी इसी का सीखना है, हमको एक्चुअली किसका सीखना है, केवल और केवल हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है ये, ठीक है। हमको केवल और केवल एक दो तीन का ही सीखना है, ठीक है, हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है ये सब, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखो, थायो ईथर ये वाले। और इसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेली के 10 या 12 कॉमन नेम बताऊँगा। 10 से 12 कॉमन नेम आपको डेली याद करने हैं, ठीक है, याद करने ना कि पढ़ने हैं। पढ़ना नहीं है, याद करना है। और कॉमन नेम का भी एक दो मैं तुमको तरीका बताऊंगा, उसके हिसाब से तुम लोगों को करना है, ठीक है। अब यहाँ तक डाइवेलेंट है, ये आपका भी डाइवेलेंट है, ये भी आपका डाइवेलेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन। ये क्या, कौन सा ग्रुप होता है? आप लोगों को पता होगा कीटोन के बारे में, क्लास टेंथ में पढ़ा है, क्लास टेंथ में पढ़ा है ना कीटोन के बारे में। ये कौन सा कंपाउंड होता है? ईथर। ये कौन सा कंपाउंड होता है? एनहाइड्राइड, ठीक है, बात क्लियर है। ये कौन सा कंपाउंड होता है? कीटन। ये कौन सा होता है? ईथर। और ये कौन सा होता है? एनहाइड्राइड, बात क्लियर है। नाउ स्टार्ट करो नेक्स्ट, लिखो नेमिंग ऑफ कीटोन। लिखो नेमिंग ऑफ कीटोन। जूम कर दिया ना आपने, यही मतलब इतने में ही याद आना चाहिए, जो जो मार्किंग की है ना नितिन, जो जो मार्किंग की है वही आना चाहिए, ठीक है। तो लिखो नेमिंग ऑफ कीटोन, अगला कंपाउंड नेमिंग ऑफ कीटोन। अब तुम्हें पता पड़ा मैंने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पहले क्यों सिखाया था? अभी तुम्हें पता पड़ेगा, अभी नहीं पता पड़ा, नहीं पता पड़ा तुम लोगों को, अभी पता पड़ेगा धीरे धीरे। नेमिंग ऑफ कीटोन लिखो सबसे पहले, नेमिंग ऑफ कीटोन। अब कीटोन की नेमिंग हम कैसे करते हैं? कीटोन की नेमिंग हम कैसे करते हैं बताओ, किसी को याद है कीटोन की नेमिंग हम कैसे करते हैं? किसी को याद होगा? हाँ देखो, सबसे पहले नेमिंग ऑफ कीटोन के लिए, कीटोन के लिए हम सफिक्स क्या लिखते हैं? सफिक्स क्या होता है इसका? कीटोन के लिए सफिक्स क्या होगा? ओ एन। और इसका प्रीफिक्स बताना, प्रीफिक्स बनाना मैं सिखाऊंगा, इसका प्रीफिक्स बनाना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। प्रीफिक्स बनाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, कीटोन की नेमिंग पहले सीखो, ठीक है, बात क्लियर है। आप बताओ कि इसमें कीटोन आपका क्या हो गया बेटा? कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ओन। अगर दो कीटोन होंगे तो
अगर ये आपका एक कीटोन है तो एक्स ऑन कर देंगे, ठीक है, या फिर दो कीटोन होगा तो क्या करेंगे बोलो, एक्स कोमा वाई डाई ऑन, ठीक है, थ्री होगा तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड ट्राई ऑन। अब तुम लोगों को एक चीज समझ में आ रहा है, वो जो पहले वाले जो मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे वो किसकी तरफ बिहेव कर रहे थे, पहले वाले टाइप वन जो मैंने पढ़ाया था एक कौन सा, जिसमें कार्बन एज अ फर्स्ट एटम था, उसमें ध्यान रखना वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप कहाँ आते थे, कार्बन चेन के टर्मिनल पोजिशन पे, कहाँ आते थे कार्बन चेन के, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से समझो, अगर मैंने जो टाइप वन पढ़ाया था उसमें कार्बन एटम कहाँ आता था, टर्मिनल पोजिशन पे, ये यहाँ पर कहाँ आएगा, मिड पोजिशन पे आएगा कीटोन, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे नेमिंग, अब देखो ये पहला है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल आपको ज़्यादा चीज़ें समझाएगा। आप बताओ इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, बोलो 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 जल्दी बताओ इसमें कि क्या करोगे, 1 2 3 क्या होगा, 2 कीटोन कैसे लिख देंगे, एल्केन भी तो लिखेंगे, तीन कार्बन की चेन है, वहां एल्केन नहीं लिखा इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए, नहीं नहीं एल्केन तो लिखना ही है, कि क्या होगा एल बोलो सॉरी एल के लिख रहा हूँ तो प्रोपेन टू ऑन। अब देखो ये हमेशा तीन कार्बन में तो दो पे ही रहेगा ना कीटोन, सोच के बताओ यहाँ कीटोन बन सकता है, यहाँ कीटोन बन सकता है, ये तो हमेशा दो पे रहेगा, ये फिक्स पोजीशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रोपेनॉन, डायरेक्टली हम इसको क्या बोल देते हैं प्रोपेनॉन, क्यों बोलते हैं प्रोपेनॉन समझ में आया, डायरेक्टली हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ये अब यहाँ पर बनाओगे तो यहाँ पर तो एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर बनाओगे यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, बीच पर फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका प्रोपेनॉन। अगला एग्जांपल देखो आप समझो, अब एक एक करके एग्जांपल तुम्हें समझ में आएंगे, CH3CO CH CH3CH3। अब बताओ कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, बोलो क्या बोलोगे, कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 सेलेक्ट कर ली, अब फंक्शनल ग्रुप, अब RFPD हम कैसे लगाएंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े पास पड़े, हमने अभी तक प्रायोरिटी किसको दी है RFPD में, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को साइमल्टेनियसली, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को, तो क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से, अब यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो 2 पर आएगा, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 3 पर आएगा, ठीक है, तो ये वाला नंबरिंग ज़्यादा सही है, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा बेटा बोलो, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। बात समझ में आया बेटा, बात समझ में आया, ये क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्लियर हुआ पक्का, अभी से कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते जाओ, छोटी छोटी बातें आपको वहाँ पर मुझे समझाना ना पड़े GOC में, ये बात ध्यान रखना, GOC में मुझे छोटी छोटी बातें समझाना ना पड़े, ठीक है, नेमिंग तुमको वहीं पर, वहाँ पर तुमको जितने भी कंपाउंड लिखूंगा उन सारे कंपाउंड की नेमिंग तुम्हें खुद करनी है, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, तुम्हें खुद बोलना है वहाँ पर, नेमिंग की चिंता मत करो, नेमिंग की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पर नेमिंग हर कंपाउंड का मैं पूछूंगा आपसे। अब बताओ इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ इसका नाम, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो आपको RFPD को क्या होना चाहिए, लोकेट नंबर कम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, बेटा तुम लोग चुप रहते हो तो मेरा मन नहीं लगता, बताओ जल्दी से क्या होगा, यहां से होगा 1 2 3 4, नाम बोलो, ब्यूटेन 2 ऑन, बात क्लियर हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग खुद बताओगे, अब पक्का अगला एग्जांपल देख लेते हैं बेटा,
आप बताओ इसका नेमिंग। आरएफपीडी आपको फंक्शनल ग्रुप पर लगाना है, आप जी जल्दी से बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, सीधा कौन कौन सा, ये वाला यहाँ से कहाँ, यहाँ या यहाँ, यहाँ कितने कार्बन है, ये गलती मत करना ठीक है। तो आरएफपीडी हम कहाँ से लगाएंगे, यहीं से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बताओ ये 10 मैंने क्यों लिखा पता है, क्योंकि इसको मैं CH2 CH3 लिख सकता हूँ। आप बताओ नाम, 5.8 डाइमिथाइल, बोलो डेकेन 2.4.7 ट्राइओन। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, बताओ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बताओ। ऐसे या फिर ऐसे, बोथ आर करेक्ट। नाउ 1 2 1 2 कैसे लिख रहा हूं पता पड़ा है, नंबरिंग अब नंबरिंग कैसे लिख रहा हूं बताओ, फंक्शनल ग्रुप नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। आप बताओ, 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन 3.4 डाई ऑन। अगर मान लो इसमें किसी में डबल बॉन्ड आता तो, अगर किसी में डबल बॉन्ड आता तो ऑक्टीन हो जाता है ठीक है, ऑक्ट जहां भी डबल बॉन्ड आता है वो आ जाता है। बात क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, लिखो जल्दी से लिखो, फास्ट लिखना सबके सब। ये कीटोन का समझ में आ गया तुम लोगों को, अब ईथर का समझना चाहते हो, ईथर तो और आसान है। इधर तो और आसान है,
स्पीड का स्पीड स्पीड इक्वल टू एक्स बाई टी है, वही होता है ना, स्पीड वेक्टर है कि स्केलर? हाँ, वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है। हाँ, अरे किसके पास वो रहा ना, प्रसन्न बेटा, प्रसन्न कहाँ है? हाँ बेटा, पाउच देना ना, तू तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। नहीं लाया है? तू एक ही पेन लेके आता है क्या? देखो, आ गया समझ में? क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? समझ लो? चलो, हाँ हाँ, दो मिनट ही रुका हो ना बेटा, तीन चार मिनट थोड़ा रुकूंगा मैं। अब देखो, अब बात को समझना। अब अगर कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो प्रीफिक्स लिखेंगे, तो लिखो इफ कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इफ कीटोन इज अ सब्स्टिट्यूएंट, इफ कीटोन कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इफ कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब समझो बेटा, खतरनाक एक और चीज है, तुमको पॉलीफंक्शनल ग्रुप में समझ में आएगा, ये लिख लो यहाँ पर स्टार पॉइंट, और ये आपको कंफ्यूज करेगा पूरे साल, लिख लो यहाँ पर, कंफ्यूजिंग होगा, कंफ्यूज आप लोग होंगे इसमें, ठीक है? थोड़ा सा बातों को समझना। कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिलेगा आपको? सब्स्टिट्यूएंट आपको पेरेंट कार्बन चेन के अंदर मिलेगा या फिर पेरेंट कार्बन चेन के बाहर? पेरेंट कार्बन चेन का ब्रांच, जैसे पेड़ होता है उसके ब्रांच निकले होते हैं ना, वैसे ही वो वहां पर कीटोन निकलेगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग है ना, अगर पेरेंट कार्बन चेन के बाहर होगा तब हम कैसे नाम लिखेंगे? देखो इधर, अगर मेरे पास ऐसा कीटोन रहा और ये वाला पेरेंट कार्बन चेन के साथ अटैच हुआ, ये वाला किसके साथ अटैच हुआ? पेरेंट कार्बन चेन के साथ, तो नाम कैसे लिखेंगे बेटा, बोलो नाम कैसे लिखेंगे? कीटो मिथाइल। तुम इसको छोड़ो, अभी तुम कंफ्यूज होंगे, तुम एक बार है ना लिख लेना, तुम दो पॉइंट अभी डाल के लिख लो, ज़्यादा अभी प्रीफिक्स पे मैं अभी फोकस नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा प्रीफिक्स, जब आपके दो तीन पॉइंट एक साथ पढ़ने को मिलेंगे ना तब मैं बताऊंगा कब कौन सा यूज़ होगा, नहीं तो तुम पीछे वाला मुझे रिपीट करोगे। तो लिख लो इसे कि इफ कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन, अगर कीटोन ग्रुप अगर पेरेंट कार्बन चेन में ही प्रेजेंट होगा तो भी हम कभी कभी प्रीफिक्स लिखते हैं, और क्या लिखते हैं वहां? ऑक्सो। प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? ऑक्सो, ये मैं कंडीशन बताऊंगा, और इसके आगे लिख लेना, इसके आगे इस पॉइंट को समझ के लिखना, इसके आगे लिख लेना इन अ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, मतलब कंपाउंड जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे तब, ठीक है? और लिख लिया पक्का? अब उसको समझो, अब यहाँ पर उसके अलावा हम कब लिखेंगे, बात समझना, यहाँ पर उसके अलावा हम क्या लिखेंगे? कीटो एल्काइल, ठीक है? इफ कीटोन ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन देन वी विल यूज कीटो मिथाइल, इसको यूज करेंगे, ये मैं बताऊंगा वापस से, आपको पढ़ के आना है, बस ये दो पॉइंट पढ़ के आना है। सुनो इधर, दो पॉइंट क्या बोला? अगर कीटोन आपका पेरेंट कार्बन चेन के अंदर रहा तो ऑक्सो, अगर कीटोन आपका पेरेंट कार्बन चेन के बाहर रहा तो कीटो मिथाइल एल्काइल, सॉरी
कीटो अल्काइल कर लो, बहुत सारे भी बन सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, कीटो अल्काइल। बात क्लियर है, बात क्लियर हुआ ये वाला, कीटो अल्काइल हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया ये वाली बात। देखो ऐसे नेमिंग के लिए आप चिंता मत करना, ऐसे नेमिंग के लिए आप लोग चिंता मत करना, ये मैं बताऊंगा अच्छे से। अगला लिखो एनहाइड्राइड, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। ये वाला पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको कल पढ़ के आना है, कल पढ़ के आना है, तभी मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग समझ के आना पॉइंट को, कि पेरेंट कार्बन चेन के इनसाइड क्या बोलना चाह रहा है और पेरेंट कार्बन चेन के बाहर कब बोलना चाह रहा है, ठीक है? ये दो पॉइंट आपको पढ़ के आना है, ठीक है? फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा ये वाला। अब देखो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का नेमिंग हम कैसे करते हैं, आर सी ओ, यही होता है ना एनहाइड्राइड, ठीक है? अब बताओ इसमें अगर मैंने ये वाला सी ओ बॉन्ड हटा दिया और सीधा आर लगा दिया तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ईस्टर बनेगा। अब याद आ गया ईस्टर कैसा होता है, ठीक है? बात समझ में आया? देखो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अब जब ये आर डैश नॉट इक्वल टू आर डबल डैश, देन क्या होंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, एल्केनोइक, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। सबसे ज्यादा सिंपल नाम है ये, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब जब ऐसा होगा आर आर डबल डैश, तो क्या लिखेंगे, एल्केनोइक, डाई एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये बात समझ में आया, डाई एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब यहां पर हम लोग समझना, डाई नहीं लिखेंगे, ये तुम्हारी गलती हो जाएगी, तुमने बोला ना डाई, इसको लिख लेना डाई नहीं लिखेंगे, डाई नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना, गलती तुमसे होगी पक्का होगी, तो डाई हम नहीं लिखेंगे इसमें। ये पहले तुम लोग डाई लिख के लिखना, फिर उसको क्रॉस करना, फिर उसके नीचे लिखना एल्केनोइक एनहाइड्राइड। छोटी छोटी बातें बेटा जो तुम्हें तकलीफ देगी आगे जाके, ठीक है? और जैसे जैसे मैं बोलू ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी नेमिंग पढ़ के आना, इसकी नेमिंग पढ़ के आना, तो उस दिन उसकी नेमिंग पढ़ के जरूर आना, ठीक है? इससे क्या होगा कि एक चैप्टर आप 5 से 6 बार पढ़ लोगे, एंड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस दिन एंड होगा उस दिन आप 5 से 6 बार सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे। चलो नामिंग नेमिंग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम लिखते हैं। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, अब बताओ इसका नाम क्या होगा, देखो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कार्बन चेन समझो, एक कार्बन है, ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर होगा तो क्या लिखेंगे, मेथेनोइक, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, हो गया बेटा? सिंपल नाम है, सबसे ज्यादा सिंपल यही आपको लगने वाला है, ठीक है? क्या हो जाएगा बेटा इसका, जल्दी बोलो, अब थोड़ा एनर्जी लगाओ, अब एनर्जी देने का टाइम आ गया इसमें। अब बताओ इसमें क्या होगा नाम, जल्दी बताओ, एनहाइड्राइड है क्या, ये दोनों सिमिलर है तो इसका क्या होगा, मेथेनोइक, इसका क्या होगा, 1 2 1। अब बताओ क्या होगा, एक क्या होगा मेथेनोइक, एक क्या होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, इथेनोइक पहले आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन आफ्टर कौन आएगा, मेथेनोइक, देन आफ्टर क्या आ जाएगा। अच्छे समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, क्लियर हुआ बात। अगला बताओ, इसका नाम बताओ, डाई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब मैंने बताया डाई नहीं आएगा, ठीक है? अरे बेटा इथेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है कि इधर भी इथेनोइक है, इधर भी इथेनोइक है, दोनों एक साथ कंबाइन नहीं होते ना, तो
इसीलिए बोलते हैं। तो यहां पर क्या जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब समझ में आ गया नाम, ये सिंपल था कि टफ था? सबसे ज्यादा सिंपल है डाइवेलेंट। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला कौन बताएगा? प्रसन्न बताएगा, बता देगा? वेरी गुड, बताओ नाम जल्दी से। अगला कुछ खेल है इसके अंदर, ये क्या होगा इथेनोइक, इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक वन मिथाइल, अरे सॉरी टू मिथाइल, बैठ जा टू मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बात क्लियर है, टू मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो गया नाम, समझ में आ गए सारे? यहां से सेलेक्ट करेंगे हमेशा, हमेशा कहां से सेलेक्ट करेंगे, यहीं से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? यहां से नहीं सेलेक्ट करेंगे, अभी देखो ना मैंने नंबरिंग की है तो पहले भी यहीं से की है ना, तो हमेशा कहां से करेंगे बेटा, वन टू थ्री। गुड क्वेश्चन बेटा, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ये वाला? किसको डाउट है इसमें? अगला लिखो, अगला और देखो, लिखते भी जाओ बेटा, आप लोग लिखते भी जाओ। इसके बाद लिखो बेटा वो, अब टेंथ वाला छोड़ दो बेटा, पहले समझो उसके बाद लिखो। अब धीरे धीरे साथ साथ लिखते भी जाओ, ठीक है? तभी अब देखो, एक और डाइवेलेंट कंपाउंड था, कौन सा था? ईथर। कौन सा था? ईथर। अब ईथर का नाम कैसे लिखेंगे? अब मैंने आपको बताया था, ईस्टर खोलो, ईस्टर खोलो, पहले ईस्टर खोलो आप लोग। ईस्टर का प्रीफिक्स लिखते वक्त मैंने कुछ बताया था, ईस्टर का प्रीफिक्स खोलो, एल्कोक्सी, और एल्कोक्सी में कौन से ग्रुप को बोलता था? ओ आर को। देखो एक बार ढूंढो, सब निकालो पेज, सब निकालो, का ईस्टर। अच्छा, तो इसका मैं प्रीफिक्स लिखते टाइम क्या बताया था, प्रीफिक्स वाला ढूंढो, ओल्ड कन्वीनियंस में ही मिल जाएगा। मिला, ला दे, छोड़ छोड़ छोड़, शांत रहे। ओ आर को क्या बोला है मैंने यहां पर? एल्कोक्सी। ओ आर को मैंने क्या बोला है? और तुमको कुछ चमक रहा है, यहां पर भी ओ आर है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। और ये क्या है? एल्केन। अब समझ में आया, सब कुछ वही था, बस हमको समझने की बात है। ओ आर वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं हमेशा? एल्कोक्सी। ठीक है, बात याद रहेगी, हमेशा परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगी आप लोगों के बाद। तो अब देखो इधर, यहाँ पर इसके नेमिंग कर लेते बेटा, देखो इधर इसका नेमिंग, फर्स्ट सी एच थ्री, सी एच सी एच थ्री, सी एच ओ सी टू एच फाइव, सी एच सी टू एच फाइव ओ सी एच थ्री। अब ये बताओ कि जो ईथर होगा ना, ईथर को हम किसकी तरह बिहेव करेंगे? लाइक सब्स्टिट्यूएंट, लाइक सब्स्टिट्यूएंट, और किसकी तरह? एनओ टू एंड अब समझ में आ जाएगा क्या ये फंक्शनल ग्रुप होगा? फंक्शनल ग्रुप तो होगा, हाँ ईथर होगा, लेकिन हम इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? अब इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वन टू थ्री, यहाँ से करेंगे तो वन टू थ्री। देखो आर एफ पी डी लगाओ यहाँ पर,
सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मैंने यही सेलेक्ट कर ली, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब बताओ नंबरिंग बोलो, यहां से यहां जाएंगे तो 3.4 पर, और यहां से यहां जाएंगे तो 1, 2, 3, 3.4 पर, देन क्या हो गया आरएफपीडी आपका फेल हो गया। 1, 2, 3, ये सी टू है ना, तो मतलब दो कार्बन है ये वाला इस साइड से, 1, 2, 3, हाँ मैंने ऐसे सेलेक्ट किया तो 1, 2, 3 पर आ गया ना। आरएफपीडी में किसी को दिक्कत है? है दिक्कत। इसको मैंने किसकी तरह बिहेव कराया, ये बात ध्यान रखो बस, इसको मैंने किसकी तरह बिहेव कराया, बात क्लियर है? आरएफपीडी फेल हुआ, आप क्या करेंगे, हम किस पर फोकस करेंगे? अल्फाबेटिकल, इसका क्या होगा बोलो, मेथॉक्सी, और इसका क्या होगा, इथॉक्सी। अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, तो कहां से होगी नंबरिंग, बोलो नाम क्या होगा, थ्री बोलो, इथॉक्सी, फोर मेथॉक्सी, बोलो छह कार्बन की चेन है, हेक्सेन, अरे मिथाइल तो गायब हो गया, हाँ मिथाइल पे भी आरएफपीडी देखते हैं ना, देखते हैं पहले, यहां पर समझो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और मिथाइल, ठीक है तो ये फंक्शनल ग्रुप ही ना, है तो ये फंक्शनल ग्रुप ही ना। अब बताओ मिथाइल के मिथॉक्सी पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा, तो हो गया फोर मेथॉक्सी, इसके बाद क्या होगा बोलो, टू मिथाइल, जल्दी बताओ, हेक्सेन। अब बात समझ में आया, बात क्लियर हुआ, फंडामेंटल इसका क्लियर हुआ। चलो छोड़ो, इसका इसका वैसे उतना रोल नहीं आएगा तुमको, एक और एग्जांपल समझो, CH3OCH3, इसका नाम जल्दी बताओ, ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, ये मेथेन ही होता है ना, देखो ना यहाँ क्या लिखा, यहाँ मैंने नाम क्या लिखा था, इसका नाम बताया था मैंने एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन बताया था, तो वही मेथॉक्सी मेथेन, सिंपल हुआ बात, सिंपल हुआ बात। देखो अब अगर ऐसा लिख के दे दिया मैंने, थर्ड क्वेश्चन बेटा आवाज नहीं, थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख के दिया ऐसा, अब बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ है, इस तरफ है कि इस तरफ है, इस तरफ है तो ये आपका पेरेंट बनेगा और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, बोलो आप, मिथॉक्सी इथेन, आप समझ में आ गया बेटा, मिथॉक्सी इथेन, बात क्लियर है, सिंपल है, उतना उतना ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं है, कर लो इसको जल्दी सॉल्व कर लो, इसमें मैं एग्जांपल कम, हाँ बोलो, यहाँ पर मिथाइल, ये क्योंकि मैंने इसकी तरफ बिहेव करेगा लाइक, नोट ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये आपका इसकी तरह हम इसका नेमिंग लिखते हैं, बस ये ध्यान रखो, ठीक है, हम इसकी तरह नेमिंग लिखते हैं, ना कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। एक बार फिर मैं चेक कर लूँगा, सही बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका नहीं लिखेंगे, ठीक है, तुमने बोला है तो एक और बार मैं भी चेक, मेरा भी चेक करना बनता है। अरे इसका OH वाला जानते हो, वो OH वाला करते थे वैसा ही है कुछ, समझ में आ गया। अगला देखो, ये वाला किसको क्लियर हुआ कंसेप्ट, अच्छे से, अच्छे से क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको इसका, अब देखो तुमको डीपीपी दिया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, और क्या करना है, एसिड हैलाइड ईस्टर नाइट्राइल अमाइन अमाइड एनहाइड्राइड, इन सब का मतलब डीपीपी के शुरू आगे वाले दोनों पॉइंट आपको करने हैं।
ठीक है, उसमें साइक्लिक कंपाउंड को छोड़ देना है। उसमें कौन से कंपाउंड को छोड़ देना है? साइक्लिक कंपाउंड को, ठीक है। अब लिखो साइक्लिक ईथर। नेक्स्ट समझो साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर को हम क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। बेटा मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना, वो पॉइंट ध्यान रख के लिखो, ठीक है। अब देखो साइक्लिक ईथर, अगला एक और ईथर बचा है साइक्लिक ईथर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इपॉक्सी। क्या बोलते हैं उसको? इपॉक्सी। अब ये कैसा होता है समझो, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर कुछ भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं क्या? इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। क्या बोलते हैं इस पूरे ग्रुप को? इपॉक्सी। अब इसका नेमिंग समझने की कोशिश करना, काफी इजी है, ठीक है, काफी ज्यादा इजी है इसका नेमिंग, तो मैं समझाता हूं। देखो इधर यहां पर CH2 है, सॉरी ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है। अब देखो यहां पर ईथर के कौन कौन से कार्बन से जुड़ा है? 1 2, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 इपॉक्सी इथेन। समझ में आ गया? 1 2 इपॉक्सी एथेन। क्या नाम लिखेंगे इसका? अगर मैं इसका नाम बोलना चाहूं तो बताओ इसका नाम? इसका नाम बोलो। कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से या यहां से? यहां से करेंगे ना नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5, बताओ क्या होगा नाम? 2.3 इपॉक्सी पेंटेन। ये थोड़ा सा अलग था जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा इजी चलेगा ये। अगर मैं अब ऐसा बोलने लग जाऊं तो अब बताओ, ऐसा कंपाउंड मैंने दे दिया तो इसका नाम क्या होगा बोलो? अब कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, अभी तक कुछ नहीं किया। देखो 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1.3 इपॉक्सी प्रोपेन आ गया ना। 1.3 इपॉक्सी प्रोपेन। देखो अब ऐसा नाम भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बात क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते बेटा इसका, ये वाला एनहाइड्राइड वाला किसने लिख लिया? लिख लिया। एक और एग्जांपल देख लेते बेटा इसका, मैं अगर ऐसा बोलूं आपको ऐसे ऐसे कंपाउंड अब देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं, बोलो आप, देखो मेरी मर्जी, मैं कैसा भी बोलूं लेकिन आप लोगों को तो आना चाहिए बस। अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से या इधर से? इधर से करेंगे। 1 2 3 4, अब बोलो जल्दी से। 2 मिथाइल बोलो आप आगे। 1.2 इपॉक्सी ब्यूटेन। अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया, दो पर मिथाइल थे इसलिए। क्लियर हुआ बात? बात क्लियर हुआ? किस किस को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सारे के सारे? ये तो था आपका डाइवेलेंट का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब लिखो ब्रेक करेगी तो क्या होगा, करके देख ब्रेक। CH2CH3 आ जाएगा। मैंने ब्रेक किया है, मैंने सीधा इसमें दो नंबर अपने आप असाइन कर दिए। यहां से नंबरिंग क्यों करेंगे? M है ना, ये E है ना, तो नंबरिंग RFPD कहां लगाएंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाएंगे ना। RFPD दोनों जगह फेल कर जाएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगाएंगे, ठीक है। अब आ गया समझ में बेटा? तो मैं बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का सबसे बड़ा ये है, मुझसे डाउट पूछने की बजाय तुमको जो जो स्टेप पता है ना, वो तुम लोग एक और बार फिर से करो, अपने आप तुम्हारे ना फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया? हैंड रेज करना, किस किस को पूरा समझ में आ गया? ये पूरा समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते बेटा।
अब हमारा असली इतना सब कुछ पढ़ने का पूरा जो है, इतना सब कुछ पढ़ा ना हमने, इसका पूरा का पूरा अब निकलेगा, असली रोल अब आएगा, असली रोल अब आएगा तुम्हारा। तो असली रोल के लिए तैयार रहो। लिखो, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप। हाँ, नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ पॉली, हाँ लिखो ना। अब असली खेल चालू होगा। पूरी ताकत तुमको इसमें नहीं लगानी है। अब जो मेन आएगा वो यही है कि पॉली फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग। फिर मुझे साइक्लिक का भी सीखना है, साइक्लिक में थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। फिर बेंजीन का। अब तुम्हारा एक एक दिन में खत्म होंगे टॉपिक। कल पॉली फंक्शनल का कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आज मैं उसका सब कुछ बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है? तो लिखो अगले, अगला लिखो, अब जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। सबको समझ में आ गया ना ये चीज़? है इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और कुछ कुछ बातें जिस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, तो इसका मतलब आप लोगों को भी फोकस नहीं करना है। आप समझ गए मैंने किसके कम एग्जाम्पल दिए? जिसके कम एग्जाम्पल दिए उस पर आपको फोकस नहीं करने हैं। अब लिखो, नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप। जल्दी जल्दी लिख बेटा। ये वाला लिख लिया ना तुम लोगों ने? हाँ, अब पूरा पूरा मुझे काम आएगा वो बेटा। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? फटाफट लिखा करो बेटा प्लीज। अब देखो आगे, जल्दी जल्दी देखो। अब देखो, नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप इज डन बाय, नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप इज डन बाय अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल। नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप इज डन बाय अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल। नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप इज डन बाय अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल। ठीक है? अब तुम्हें एक चीज का पॉइंट आ रहा होगा, सर ये सीनियरिटी टेबल है क्या? ठीक है, पॉइंट को समझो, सीनियरिटी टेबल है क्या? अब लिखो इसमें, सीनियरिटी टेबल में मैं आपको लिखा रहा हूं। देखो, सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड सर, देखो ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा सुपीरियर होता है एसिड, देन क्या होता है? एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स। अब बात को ध्यान से समझना, मैं यहीं पर लिखा देता हूं, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंस है, समझना। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? किसी को याद है? किसी को याद है एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंस है? देखो, एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? बोलो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? एसिड। और एसिड डेरिवेटिव कौन से होंगे? अब देखो, यहां से अगर फंक्शनल ग्रुप को चेंज करूंगा तो वो सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव। देखो, आर सी ओ सी एल चेंज कर दिया ना ओ एच को, तो ये क्या होगा? एसिड डेरिवेटिव। आर सी ओ एन एच टू क्या होगा?
एसिड डेरिवेटिव, आर सी ओ ओ आर, ये क्या होगा? एसिड डेरिवेटिव, बात समझ में आ गया? आर सी ओ ओ सी ओ आर, ये भी क्या हो गया? मतलब मैंने क्या किया, OH को किससे रिप्लेस 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 किया, और OH को किससे रिप्लेस किया, OCOR, बात क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एसिड डेरिवेटिव, बात क्लियर है? तो इन सबको कंबाइन, इन पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव। क्या मैंने इसका नोमेनक्लेचर सिखाया है? अरे जोर से बोलो बेटा, क्या मैंने सिखाया इसका? इसका 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 वही रूल लगाना है। अब तरीका समझना, सीनियरिटी टेबल, सीनियरिटी टेबल में सबसे पहले कौन आता है? एसिड। मैं यहीं पर याद कराऊंगा सीनियरिटी टेबल, घर जाके याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से। एसिड, एसिड के बाद एसिड डेरिवेटिव, एसिड के बाद एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है? उसके बाद आपका आएगा सी एन, उसके बाद आपका आएगा एन सी, उसके बाद आपका आएगा कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आप पूछोगे कि सर ये आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? सुनना है आप ध्यान से, आपके क्लास ट्वेल्थ में जो चैप्टर होगा एनसीईआरटी में, वो ये होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब क्या समझोगे आप लोग? उसके अंदर क्या क्या आएगा? और एक चैप्टर आएगा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, तो उसका मतलब क्या समझोगे? समझ में आया? समझ में आया बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? किस चीज को क्लियर हुआ, किस चीज को क्लियर हुआ? इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम असाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड, मैंने कितनी बार बोला है? क्या नाम होता है इसका बोलो? इसका नाम अमाइड, कल मैंने फंक्शनल ग्रुप को पहचानने में लगाया था। इसका नाम ईस्टर, इसका नाम एनहाइड्राइड, अभी यही पढ़ाया, क्या पढ़ाया? इसका नाम, इसका नाम फिर से बोलो, इसका नाम, इसका नाम या फिर इसका, इसका, इसका। अब घर जाके आप लोगों को एक ही चीज पढ़ना है, बोलो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने को बोलूंगा? क्लास ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ में सबके पास एनसीईआरटी होगी, नहीं तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है? डाउनलोड कर लेना, उसमें जो कंटेंट दिया है ना, कंटेंट, उसमें चैप्टर के नाम किस किस तरीके से, उसको पढ़ लेना, तुमको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। एल्डिहाइड और कीटोन का ऐसा नहीं दिया गया कि एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट, क्या दिया हुआ है? कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट, और अगला चैप्टर दिया है कार्बोनिल कंपाउंड सेकंड विद एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। समझ में आया? समझ में आया कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या समझ में आया, बोलो? क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा सीनियर कौन होता है? सबसे ज्यादा सीनियर कौन होगा? उसके बाद ये वाले ग्रुप होंगे, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। अब आपको दिक्कत क्या आएगी, एसिड डेरिवेटिव तो सर चार है, चार में से भी कौन सीनियर होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ सीनियरिटी टेबल, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इन सबको कहीं शॉर्ट में लिखना हो तो कहीं साइड में नोट्स के रूप में आप लोग लिख लो। अब मैं बताता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, सी डबल ओ एच, क्या बोलते हैं? पक्का, पक्का समझ में आ गया? सी डबल ओ एच बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने की रिक्वायरमेंट है नहीं है, पक्का समझ लो, ठीक है? उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, क्या कौन आता है? सल्फोनिक एसिड, देखो एसिड एसिड पहले आ गए ना, एसिड एसिड पहले आ गए, किसी किसी बुक में सल्फोनिक एसिड ऊपर है, किसी किसी बुक में कार्बोक्सिलिक ऊपर है, तो ये दोनों कभी भी आपको कंबाइनली नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो मैं वो एग्जांपल करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है?
इसको हम क्या बोलते हैं, SO3H। सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बात क्लियर है। उसके बाद कौन होता है, ये दोनों के दोनों क्या है, एसिड। तो एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, एसिड का सुपीरियरिटी सबसे ज्यादा होगा, सुपीरियर होगा एसिड। और एसिड के बाद अब क्या आएगा, एनहाइड्राइड। एसिड के बाद अब क्या आएगा, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड क्या बनेगा बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। इसको ऐसे मत लिखना, कैसे लिखना मैं बता देता हूं। आप लोग एक लाइन से सीधा सीधा यू यू करके मत लिखना, आप लोग एक पेज और साइड वाला खाली रहने देना, मुझे उसमें कुछ लिखवाना है, ठीक है। एनहाइड्राइड होगा, और एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद अब देखो, एसिड के बाद सुपीरियर कौन होता है, एसिड। अब इसमें इसके बाद सुपीरियरिटी में कौन आएगा, ईस्टर कौन आएगा, और ईस्टर का क्या होता है, ठीक है। इसके बाद सुपीरियर कौन होगा, जल्दी बताओ, इसके बाद सुपीरियर कौन होगा, असाइल हैलाइड। कौन होगा, असाइल हैलाइड। इसके बाद सुपीरियर कौन होगा, आर सी ओ सी एल, ये सुपीरियर होंगे, ठीक है। अभी एसिड डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव में आप कौन बचा है, जल्दी बताओ, अमाइड बचा हुआ है। इसके बाद सुपीरियर कौन होगा, अमाइड। इसके बाद सुपीरियर कौन, लिख लिया ये वाला पॉइंट, ये याद रखो। एसिड डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, एसिड किसको बोलते हैं, एसिड और एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं, ये चीजें ध्यान रखो। वैसे सी एन भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन उसको कंसिडर अभी आप मत करो, वो मैं बाद में बताऊंगा। डिफरेंस समझ में आ गया एसिड और एसिड डेरिवेटिव में। एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, एसिड से बने हुए। एसिड डेरिवेटिव क्या होंगे बोलो, अब ये एसिड से बना हुआ ये ना बेटा। अगर मैं इसमें Cl को रिप्लेस कर दूंगा, इसको यहां से OH हटा के Cl को रिप्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा, यहां से NH2 को जोड़ दूंगा और OH को हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से OH हटा के OR जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, ईस्टर। जहां से बोलो क्या करूंगा, OH हटा दूंगा, इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। अब मालूम है, अब तुम्हें इनडायरेक्टली एक चैप्टर की रिएक्शन याद हो गई, ये रिएक्शन भी आएगा, ऐसा ऐसा क्या आएगा, रिएक्शन भी आएगा, समझ में आया। इस तरीके का रिएक्शन में क्लास 12th में बताऊंगा, इस तरीके का रिएक्शन में क्लास 12th में बताऊंगा, तो यहां पर लिख लेना क्लास 12th में आपका इससे रिलेटेड रिएक्शन आएगा बेटा। जो जहां जहां मैं जो जो लिखा रहा हूं ना, एक हर एक क्लास के पहले वो सब ढूंढना है तुम्हें, कि कौन कौन सी चीजें सर ने बताई थी, यहां मिलने वाली है, यहां मिलने वाली है, वो सब पढ़ के आना होता है। उससे क्या होता है कि देखो, तुम लोग वो 11th क्लास खत्म हो जाएगा, 11th क्लास के बाद तुम लोग मुझसे पूछोगे कि सर कल आप ये वाला चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो कौन सी चीजें हमको पढ़ने के आनी पड़ेगी। तो यहीं पर ही मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ा हमको है ना लिंक बनाना है, हमको चैप्टर के बीच क्या बनाना है, लिंक। जितना ज्यादा लिंक बनाओगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। जैसे ही आपने लिंक बनाना छोड़ा, वैसे ही आपको वो ऑर्गेनिक ने छोड़ा, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म हो जाए, तो एक बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के जरूर आना, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड पॉइंट में लेने वाला हूं। समझ में आ गया ये पूरा पक्का। देखो इसके बाद कौन आएगा, ये वाला पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने। देखो इधर, यहां पर
हमको इसी तरीके से याद करनी है सुपरलेटिव ऑर्डर। अगला कौन सा होगा, एसिड डेरिवेटिव कौन सा होगा बताओ, अमाइड, कौन सा होगा अमाइड। ठीक है, ये तो मेरे क्या थे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप थे। अब जब भी दो तीन फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएंगे चेन में तो हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे उसको समझते हैं। आप अब हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे उसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो यार, नेमिंग हम किस तरीके से समझते हैं उसको देख लेते हैं। बेटा आलस मत करो, अब समझ में आया मैंने क्यों तुम लोगों को जगह छोड़ने के लिए बोला था। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का आप ये बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, पढ़ाया था सब, अब याद आ रहा है सफिक्स क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओइक एसिड, और इसका नाम कैसे लिखते हैं, एल्केनोइक एसिड, बात क्लियर है। और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था। अगला बताओ सल्फोनिक एसिड का, सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो, सल्फो। बेटा पेज पलटते जाओ कि क्या क्या लिखा है था वहां वहां जहां जहां मैंने टॉपिक लिखा है ना वहां वहां पेज पलटते भी जाओ, क्या लिखा था मैंने, सल्फो। अब समझ में आया मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आने के लिए क्यों बोले थे, सल्फो। और सफिक्स क्या होगा बेटा बोलो इसका, सल्फोनिक एसिड, बात समझ में आ गया। ठीक है, एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका बताओ बोलो क्या होगा, ओइक एनहाइड्राइड, नाम कैसे लिखते हैं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, तो क्या हो जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड, अब यही बताया था। इसका नाम बोलो, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ऐसा होता है इसका, तो उसका सफिक्स कैसे लिखते हैं, अल्काइल। अब समझ में आ रहा है तुमको, अब आपको कैसा चेन मिलेगा मालूम है, जिसमें सी डबल ओ एच भी होगा और ईस्टर भी होगा। ठीक है, अब सी डबल ओ एच मिल रहा है, सुनो इधर, आपको ऐसा चेन मिलेगा जिसमें सी डबल ओ एच होगा और ईस्टर भी होगा। अब जिसमें सी डबल ओ एच है और ईस्टर भी है, अब बताओ सुपीरियर कौन, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, तो ये अपने आप इसका कौन सा नाम लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स। समझ में आया, अपने आप इसका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया, पक्का सोच लो, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर सी डबल ओ एच है और एनहाइड्राइड है और वो एस्टर है तो मुझे प्रीफिक्स किस किस का लिखना पड़ेगा, एस्टर और एनहाइड्राइड दोनों का, और वो एनहाइड्राइड का होता नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं आपको ऐसे कम। ठीक है, अगला देखो असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो फॉर्माइल, हेलो कार्बोनिल, लिखा है था क्या होता है, हेलो फॉर्माइल भी कहीं कहीं मिलेगा और हेलो कार्बोनिल भी मिलेगा, क्या मिलेगा, हेलो कार्बोनाइल, बात क्लियर है। इसका क्या होगा मुझे जल्दी बताओ, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड ऐसे लिखते हैं ना, एल्केनोइल हैलाइड। ठीक है, इसका बताओ अमाइड का क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है अमाइड का, क्या होता है बोलो, प्रीफिक्स बोलो इसका क्या होता है अमाइड का, प्रीफिक्स कार्बामोइल, बात क्लियर। इसका क्या होगा बताओ, सफिक्स क्या होता है,
ये हो गया आपका एसी डेरिवेटिव। एसी डेरिवेटिव के बाद कौन आता है? मैंने अभी प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था, साइनाइड। अब देखो तुमको एसी डेरिवेटिव भी याद हो जाएगा, साइनाइड होता है। अब साइनाइड का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। और प्रीफिक्स क्या होता है? ठीक है, यहां पर एनसी वाला बताओ। जल्दी बताओ इसका क्या होता है? आइसो नाइट्राइल। और यहां पर आइसो नाइट्राइल होगा तो इसका सफिक्स क्या होगा? आइसो साइनो। बात क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आया। अगला, इसके बाद कौन आता है? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में पहले कौन आएगा बेटा? एल्डिहाइड। कौन आएगा पहले? आप देखो एल्डिहाइड का क्या होगा, जल्दी बताओ। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। ये क्या होता है बेटा आपका? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का बताओ, अब बताओ जल्दी से। प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्माइल। और मैंने बोला था एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत खतरनाक बात है, ये ऑक्सो भी होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर क्या होगा जल्दी बताओ? अल। इसका बताओ जल्दी से, कीटोन का। कीटोन का क्या होगा जल्दी बताओ? ये ऑक्सो भी होगा और क्या होगा? कीटो भी होगा। अभी मैंने बताया था कीटो मिथाइल, अभी मैंने एक और बोला था ऑक्सो। समझ में आया? ऑक्सो कब यूज करना है, कीटो कब यूज करना है, दोनों का ऑक्सो सेम है। अब तुम लोग कंफ्यूज होते हैं, ये मैं बताऊंगा। यहां पर आपको डेंजरस कंडीशन है, ये आपका डेंजरस कंडीशन है, इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, इसका क्या होगा बेटा? ईश्वरी बेटा नींद आ रही है, नींद आ रही है उसको, ये जबरदस्ती दे दी, देख रही है, ऑन आ गया, समझो। अब ये बताओ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एसिड। देन आफ्टर मैंने क्या लिखा बेटा? एसिड डेरिवेटिव्स। क्या लिखा मैंने यहां पर? एसिड डेरिवेटिव्स। उसके बाद मैंने क्या लिखा? साइनाइड और आइसोनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, मतलब CN कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा? कार्बोनिल कंपाउंड। अब याद रहेगा बेटा, याद रहेगा क्या होता है ऑर्डर बताओ, प्रायोरिटी ऑर्डर बोलो आप फटाफट, सब बोलो एक लाइन से। सबसे पहले एसिड, एसिड के बाद एसिड डेरिवेटिव, के बाद साइनाइड, के बाद आइसोसाइनाइड, के बाद कार्बोनिल कंपाउंड। अब उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के बाद सल्फोनिक, के बाद एसिड डेरिवेटिव वाले में जाओ। एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद ईस्टर, के बाद एसाइलहैलाइड, के बाद अमाइड, के बाद साइनाइड, के बाद और कार्बोनिल कंपाउंड में पहले कौन, देन कौन? हो गया याद? बेटा तुमको कुछ याद नहीं करना, मैं याद कराऊंगा चिंता नहीं। और इसके ऐसे ना वो जबरदस्ती का शॉर्टकट मत बना लेना, बहुत शॉर्टकट है। शॉर्टकट बनाने की बजाय आप इसको इस तरीके से याद रखो, क्योंकि ये वाली नेमिंग आपको आगे काम भी आएगी। जब मैं बोलूँगा कि बेटा एसिड डेरिवेटिव का चाहिए, एसिड डेरिवेटिव चैप्टर का टेस्ट है, तो तुम लोग एसिड डेरिवेटिव में ये मत पढ़ने लग जाना, यही पढ़ना है। समझ में आया? जब मैं टॉपिक बोलूँ एसिड डेरिवेटिव, उसका मतलब क्या समझोगे, ये या ये? ठीक है, इसको लिखो, बनाओ। अरे बाकी है बेटा अभी थोड़ा और, अभी मैंने OH भी बताया था, SH भी बताया था, NH2 भी बताया था, बताया था ना?
बेटा सोना कम करो, जागना स्टार्ट करो, ठीक है? जागते रहोगे तो, जागोगे तो क्या मिलेगा? बेटा सोने का टाइम रात का है, दिन में जो सोता है वो तो चोर होता है, चोर रात को चोरी करता है, और रात को जागता है और दिन में सोता है। बेटा दो ही आदमी रात दिन में सोते, एक तो चौकीदार और एक चोर। अब आप समझ लो आप कौन हो। ये क्लियर हुआ बात? पक्का? बेटा मैं हाँ हाँ जल्दी देख, जल्दी देख, बहुत स्लो लिखती है बेटा। अरे तू बात करेगी तो कब लिखेगी, जल्दी लिख। सबको समझ में आया? अब मेरे सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर CNA, LDHD और कीटोन है, तो मैं सफिक्स किसका लिखूंगा और प्रीफिक्स किसका लिखूंगा? LDHD और, समझ में आया? अगर मेरे किसी कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है और असाइल एलाइड है और CNA और CHOA और COA, तो मैं किसका सफिक्स लिखने वाला हूँ? फिर मैं प्रीफिक्स किस किस का लिखूंगा? बाकी सब कौन कौन से बोले? असाइल एलाइड, CN, CHO। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? मैंने पॉली फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, मैंने इससे पहले फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन क्यों पढ़ाई थी? क्योंकि आप पॉली फंक्शनल ग्रुप में तुम्हें आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ गया? देखो हमेशा बड़ों को इज्जत मिलती है ना, तो जो बड़ा होगा उसी को इज्जत मिलेगी, उसी का सफिक्स आएगा, बाकी सबका प्रीफिक्स आएगा। अगला लिखो, अगला। इसके बाद तो बेटा आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे याद करने में। ये याद हुआ? ये किस चीज को याद हो गया? ये किस चीज को याद हो गया बेटा, जल्दी बताओ। अब देखो इसके बाद क्या आएगा बेटा? इसके बाद आएगा बेटा आपका OH। OH का मतलब एक ही तो तुमको याद रहता है। OH का मतलब अल्कोहल। क्या होता है? अभी तो काफी जरूरी है बेटा ये सैनिटाइजर में, ठीक है? होता है ना, अभी देखो अल्कोहल का प्रीफिक्स, अरे अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स बोल ऑल, इसका सफिक्स सबसे इजी है, और एक एल्डिहाइड का। अब जल्दी बताओ इसका, इसके बाद आएगा SH, लिखा है ना? SH को क्या बोलते हैं? थायोल। क्या बोलते हैं इसको? थायोल। अब बताओ इसका मरकेप्टो, और इसका थायोल। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। इसका बताओ आप आगे, आगे और लिखना है। अगला लिखो अमाइन, NH2। NH2 का मैंने सफिक्स, मैंने प्रीफिक्स लिखाया था, प्रीफिक्स लिखाया था, क्या लिखाया था? अमाइनो। प्रीफिक्स क्या लिखाया था? और इसका क्या होता है? सब लिखा रखा है ये सब सब, लेकिन तुम लोग पढ़ के नहीं आए बुद्धू लड़के। बेटा पढ़ के आया करो, मुझे तंग मत किया करो। अब देखो अगला ओ आर,
ओआर क्या होता है? एल्कोक्सी, हमेशा सब प्रीफिक्स लिखने वाले हैं इसका। फंक्शनल ग्रुप तो इतने से सिमट गए। ठीक है, इसके बाद इसको क्या लिखेंगे? अब ये बताया इपॉक्सी हो गया, इसके बाद कौन आएगा? ये वाला ये लिखा, इसके बाद आएगा आपका, बताओ कोई किसी को आइडिया है तो, डबल बॉन्ड। उसके बाद आपको क्या आएगा? डबल बॉन्ड के बाद क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। हम बोलते थे ना, अब तुमको एक चीज बता देता हूँ, आरएफपीडी बोलो, आरएफपीडी कौन? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप पहले आया, आरएफपीडी कौन? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप पहले आया, उसके बाद क्या बोलता था? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, चलो वो तो हटाओ उस लाइन को, उसके नीचे वाली क्या लाइन थी? तो वो पहले आता है, तो क्या हो जाएगा ये आपका डबल बॉन्ड। इसका क्या होता है? इसका क्या होगा बेटा? सफिक्स एल्कीन, एल्कीन ही होगा, हमेशा प्राइमरी में काम आएगा ये। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसको क्या बोलेंगे? आयन। ठीक है, अब इसका कैसे लिखते हैं? सफिक्स एल्किनाइल, बताया था ये, इसका कैसे लिखते हैं? एल्काइनाइल। जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है तो ऐसे लिखते हैं, यहां पर लिख लेना एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बात क्लियर हुआ? इसके बाद जल्दी बोलो, इसके बाद दो ही बचे, इन दोनों को एक साथ लिख लो, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, दोनों का काम ही एक है। बताओ अब क्या होगा? इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रो। इसका हमेशा सफिक्स ही लिखते हैं, सॉरी प्रीफिक्स ही लिखते हैं, नाइट्रो। और इसका क्या लिखेंगे? हो गया, प्रायोरिटी टेबल खत्म, प्रायोरिटी टेबल फिनिश। देखो मुझे भी मतलब याद करने का एक बार तरीका समझ गए आप लोग? पक्का श्योर? किस चीज़ को दिक्कत है इसमें? इसमें किस चीज़ को दिक्कत है? दिक्कत है हाँ, अरे बेटा नाइट्रो और हेलो किसकी तरह यूज होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो सब्स्टिट्यूएंट के सारे रूल लगा दे, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे। ठीक है, उसकी चिंता मत कर। लिखने पे फोकस करना, और क्या बचा है? यू और ओआर तो और ही होता है ना। अरे ओआर क्या होता है? आर ओ आर याद आया? आर ओ आर में ओ आर आता है इथर में। लो लिख देता हूँ, आपको दिक्कत? और पूछ लो, और कौन सा ग्रुप होता है पूछ लो। ठीक है, अब चालू हो जाओ। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। हाँ तो मेरे पास भी दो ही मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी करो, समय कम है, हमको लंबा चलना है अभी। चिंता मत करो, किसी और क्लास में अगर नेमिंग खत्म हो गया है ना, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा धीरे होगा, आराम से होगा, तुम्हें धीरे ही पढ़ाऊंगा मैं अभी, क्योंकि हम कभी भी है ना
हम कभी भी ऊपर चढ़ना होता है ना स्टेज से, तो 5 सीढ़ी पार करके नहीं चढ़ते, हम एक एक सीढ़ी करके चढ़ते। मेरी वही आदत है, मुझे जल्दी नहीं आता, मुझे धीरे आता है, लेकिन अच्छे से करना है टॉपिक को, क्योंकि जेई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट से बनते हैं, तो हमको उस बारीक बारीक पॉइंट का पता लगाना है। समझ में आया? तो आप लोग होपलेस ना हो, अभी अब यहाँ से स्पीड आपकी बढ़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ आने लग जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्या लिख रहा हूं, ए बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। सबसे पहले एक एक करके आराम से चलेंगे, आर ओ आर ईथर, ये कौन सा है, ये सारे क्या है, ये क्या है, आप तुम्हें पता पड़ने लग गया, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, अमाइन, वेरी गुड। अब समझ में आ गया तुम लोगों को, अब समझ में आया कि कैसे करना है, एकदम आराम से, चिंता नहीं करना है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कितना इजी है, देखा आपने, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, ऑर्गेनिक में कंपाउंड होते इतने बड़े क्वेश्चन, बस यू घुमा दो आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें कौन कौन से, बताओ इसमें कौन कौन से, पहले ये क्या है, आर ओ आर ईथर, ये क्या है, अल्काइन, ये क्या है, ये आर ओ आर क्या है, ये बस वही नहीं बोलना ना, सी डबल बॉन्ड ओ आर है ना, तो ये क्या है, ईस्टर, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, ठीक है, आर ओ आर सीधा बोल के मत कर देना, क्या है ये, ईस्टर, पहले आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये क्या है, अमाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड, क्यों, यहां पर सी एच थ्री है ना, अगर कोई कार्बन, अगर एक लाइन होता है तो उसको सी एच थ्री मानने का है, तो ये क्या होगा, कीटोन,
ये क्या होगा और ये क्या है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आज आपको 5 क्वेश्चन की एक डीपीपी मिलेगी, उसमें आपको सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है? चलो क्लियर हो गया कंसेप्ट सारा?